दोस्तों अभी तक रामायण के ऊपर काफ़ी सारे टीवी शोज और मूवीज बनाए जा चुके हैं और रामायण के ऊपर बने टीवी शोज को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो अभी बहुत ही जल्द रामायण पर बेस्ड एक और नया टीवी शो दस्तक देने वाला है जिसका नाम होने वाला है श्रीमद रामायण और ये शो सोनी टीवी पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इस शो के स्टारकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इस शो में कौन कौन से एक्टर नजर आएंगे। तो सबसे पहले निकितिन धीर को इस शो के स्टारकास्ट में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों निकितिन धीर इससे पहले काफी सारे टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं जैसे कि नागार्जुना एक योद्धा और नागिन जैसे टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा ये काफी सारे मूवीज में भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों बता जा रहा है कि निकितिन धीर श्रीमद रामायण में दशानन रावण की किरदार में नजर आने वाले हैं। इसके बाद आरव चौधरी को भी इस शो के स्टार कास्ट में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों बता जा रहा है कि आरव चौधरी श्रीमद रामायण में राजा दशरथ जी के किरदार में नजर आएंगे। आरव चौधरी इससे पहले काफी सारे बड़े टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं लाइक महाभारत, झांसी की रानी, राजमहल। तो इन सभी के बाद अभी आरव चौधरी श्रीमद रामायण में भी नजर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों प्राची बंसल को भी इस शो के स्टार कास्ट में शामिल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्राची बंसल इस शो में माँ सीता की किरदार में नजर आएंगी। प्राची बंसल अभी हाल ही में कलश टीवी के शो शिव शक्ति तब त्याग तांडव में नजर आई थी जहाँ पर उन्होंने माँ गंगा का किरदार निभाया था। प्राची बंसल इसके अलावा और भी काफी सारे टीवी शोज में नजर आ चुकी है जैसे की थपकी प्यार की सीजन 2। दोस्तों प्राची बंसल के बाद अभी बसंत भट्ट को भी श्रीमद रामायण के स्टार कास्ट में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों बसंत भट्ट इससे पहले काफी सारे बड़े टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं जैसे की ये इससे पहले स्टार भारत के शो राधा कृष्ण में नजर आए थे जहाँ पर उन्होंने श्री बलराम जी का किरदार निभाया था। इसके अलावा ये विघ्नहर्ता श्री गणेश और भी कई सारे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि बसंत भट्ट जी श्रीमद रामायण में श्री लक्ष्मण जी के किरदार में नजर आने वाले हैं। इन सभी के बाद दोस्तों अभी सुजय रेऊ को इस शो में भगवान श्री राम के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है। जी हां बताया जा रहा है कि सुजय रेऊ श्रीमद रामायण में भगवान श्री राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। दोस्तों फैंस चाहते थे कि या तो सौरभ राज जैन या फिर सुमेध मुदगलकर जैसे एक्टर्स को इस शो में भगवान श्री राम के रोल में रखा जाए क्योंकि इससे पहले सुमेध मुदगलकर और सौरभ राज जैन अलग अलग शो में श्री कृष्ण जी के किरदार में नजर आ चुके हैं और इन्होंने अपना किरदार इस तरह से निभाया है कि लोग इन्हें ऐसे किरदार में बार बार देखना चाहते हैं। बाकी अभी फिलहाल सुजय रेऊ को इस शो में भगवान श्री राम के किरदार के लिए फाइनल कर लिया गया है। दोस्तों सुजय रेऊ इससे पहले काफी सारे टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं जैसे कि सिया के राम में इन्होंने भरत का किरदार निभाया था। इसके अलावा तंत्र और शास्त्री सिस्टर्स जैसे टीवी शोज में भी ये नजर आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों खबरें ऐसी भी आ रही है कि निर्भय वाधवा भी श्रीमद रामायण में नजर आने वाले हैं और ये इस शो में हनुमान जी का किरदार निभाएंगे। दोस्तों निर्भय वाधवा इससे पहले भी हनुमान जी का किरदार निभा चुके हैं। ये इससे पहले संकट मोचन महाबली हनुमान में हनुमान जी के किरदार में नजर आए थे और ये शो भी सोनी टीवी पर ही आता था और लोगों ने इनके किरदार को बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया था। तो अभी खबरें आ रही है कि निर्भय वाधवा एक बार फिर से सोनी टीवी के एक नए शो में हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको श्रीमद रामायण के स्टार कास्ट के बारे में बताया और बात करें कि ये शो कब से शुरू होगा तो ये शो जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा सोनी टीवी पर। बाकी आप लोग इस शो को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसके साथ यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम जल्दी किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।